बनियाल के मंगत क्षेत्र के लोगों ने पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से बनिहाल मंगत संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद है और कुछ किलोमीटर सड़क पर बर्फ जमी हुई है और ये सड़क शेष आधा हिस्सा पूरी तरह उबड़ खाबड़ है। इसके बावजूद विभाग दो महीने से सड़क से बर्फ हटाने के काम में असफल रहा है, जिससे लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएचसी मंगत में कर्मचारी नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो आदेश जारी होने के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे। लोगों ने डीसी रामबन से गुहार लगाते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है। आज हमारा जो यहाँ पे जमा होने का मकसद है, जो प्रोटेस्ट हमने किया है, वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट बनिहाल के खिलाफ किया है, जो कि आप जानते हैं पिछले दो महीनों से ज्यादा हो गए हैं जो बनिहाल टू मंगत रोड है वो पूरी तरीके से बंद है, जिसमें कि बर्फ की तादाद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मंगत के इलाके में पूरा बर्फ खत्म हुआ है, लेकिन कुछ एरिया है 3 या 4 किलोमीटर एरिया जिसमें बर्फ ज्यादा है, उसमें भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। एक मशीन ला के रखी है, उन्होंने 12 बजे काम पे आती है और 4 बजे छुट्टी करते हैं। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, डिपार्टमेंट से गुजारिश है, खासकर हमारी डिप्टी कमिश्नर रामबन से गुजारिश है, मसरतुल इस्लाम साहब से हमारी ये गुजारिश है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि जो लोगों को यहाँ पे मुश्किलात पेश आ रही है वो दूर हो सके। इस रोड पे पिछले दो महीनों से हम दिखा रहे हैं डिपार्टमेंट वाले हमें कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो काम बिल्कुल ना के बराबर उन्होंने किया है। जबकि इसमें टोटल 35 या 36 किलोमीटर का फासला है रोड का, जिसमें से कम 15 किलोमीटर ऐसे है जिनमें कोई बर्फ नहीं होती है, बाकी 17-18 किलोमीटर ऐसे है जिनमें बर्फ होता है। तो अगर डिपार्टमेंट दो महीनों में नाकाम होती है 18 किलोमीटर को साफ करने में, तो ये बिल्कुल सरासर जुल्म है यहाँ के आवाम के साथ। इसके साथ साथ हमारा ये पीएचसी मंगत का मसला है, जहाँ पे हमारे मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। कुछ मुलाजमीन की लिस्ट मेरे पास पड़ी है, जिनमें से एक है सैनिटरी इंस्पेक्टर सुरजीत पाल, जिसको ट्रांसफर किया गया था एसडीएच उकड़हाल से पीएचसी मंगत के लिए 20/8/2022 को, यानी कि 20 अगस्त को उनको यहाँ पे भेजा गया था। एक दिन भी उन्होंने यहाँ पे अभी तक ड्यूटी नहीं दिया, इवन कि उन्होंने ज्वाइन तक मंगत के जो पीएचसी है वहाँ पे अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है। इसके साथ साथ एक और है शबीर अहमद पाला MMPHW, जिनको ट्रांसफर किया गया था नौशहरा से पीएचसी मंगत के लिए, वो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने यहाँ पे। इसलिए हमारी ये गुजारिश है सीएमओ साहब से, बीएमओ साहब हमारे नए आए हैं उनसे हमारी गुजारिश है, और इसके साथ साथ खासकर डीसी साहब से हमारी ये गुजारिश है, हमारे ये जो मसले है पीएचसी मंगत और हमारे जो छोटे मोटे सब सेंटर्स हैं यहाँ पे वो टोटली बंद है, इनको भी खोला जाए, और इनके जो मुलाजमीन है पीएचसी मंगत के जो पिछले 6 या 7 महीनों से एक दिन भी यहाँ नहीं आए हैं, तो उनको भी यहाँ जल्द अज जल्द भेजा जाए। बनिहाल से द अर्थ न्यूज के लिए मेहरान वानी की रिपोर्ट।